पैडमैन का असली नाम अरुणाचलम मुरुगनंतम है। अरुणाचलम मुरुगनंतम ने महिलाओं के लिए काफी योगदान किया है। आज भी भारत के कई गांव में पीरियड्स के दौरान वहां की महिलाएं पैड का इस्तेमाल नहीं करती है। इसकी वजह पैड्स का महंगा होना है। गांव के इलाकों में लोगों की इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो हर महीने अपनी आमदनी में से पैड खरीद सके। भारत की महिलाओं की इसी समस्या को बखूबी से समझकर इसका हल अरुणाचलम मुरुगनंतम ने निकाला। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं के पैड नहीं खरीद पाने की समस्या को हल किया। तो आइए शुरू करते हैं। अरुणाचलम मुरुगनंतम का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर में सन 1962 में हुआ था। तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर में जन्मे अरुणाचलम मुरुगनंतम बेहद ही गरीब परिवार से थे। जब मुरुगनंतम छोटे थे तभी उनके पिता का निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। उनके पिता एस अरुणाचलम के निधन के बाद उनको उनकी माँ ए वनिता ने मजदूरी करके पाला था। 14 साल की उम्र में मुरुगनंतम को उनके स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना घर चलाने के लिए कई तरह की नौकरियां की। वही आज वो अपनी मेहनत के दम पर देश के एक सामाजिक उद्यमी के तौर पर जाने जाते हैं। वही मुरुगनंतम कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हर गांव की महिला सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करे। अरुणाचलम मुरुगनंतम की सन 1998 में शांति नाम की एक महिला से शादी हुई थी। अपनी पत्नी शांति का पीरियड्स के दौरान महंगे पैड ना खरीद पाने और पैड की जगह न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करने की बात जब अरुणाचलम को पता चली तो उन्होंने सस्ते पैड बनाने का ठान लिया। अरुणाचलम मुरुगनंतम को सस्ते पैड की मशीन बनाने के लिए करीब 2 साल लगे। इस दौरान उन्हें कई बार निराशा भी हाथ लगी, मगर उन्होंने हार का सामना करते हुए कम लागत में सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन का आविष्कार कर ही डाला। अरुणाचलम मुरुगनंतम ने सस्ते पैड बनाए जाने वाली मशीन और तकनीक के अपने सुझाव को साल 2006 में IIT मद्रास के सामने रखा था, जिसके बाद अरुणाचलम मुरुगनंतम के इस आविष्कार को नेशनल इनोवेशन अवार्ड के लिए भेजा गया। वो इस अवार्ड को जीतने में सफल हुए। पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने जयाश्री इंडस्ट्रीज की स्थापना की। जयाश्री इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई 1300 से ज्यादा मशीनें भारत के 27 राज्यों के अलावा अन्य 7 देशों में स्थापित की गई है। वही कई कॉर्पोरेट संस्थाओं ने उनके इस आविष्कार को खरीदने की कोशिश की, मगर उन्होंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मुरुगनंतम ने कई जानी मानी संस्थाओं में भाषण भी दिया है, जिसमें से IIT बॉम्बे, IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड शामिल है। अरुणाचलम मुरुगनंतम को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुरुगनंतम को टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में साल 2014 में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, उनकी यूनाइटेड स्टेट के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा, जी शिनपिंग, शिंजो आबे, पुतिन, अरुंधति राय, हिलेरी क्लिंटन आदि जैसे विश्व प्रसिद्ध नेता और हस्तियों ने सराहना भी की है। मुरुगनंतम के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं। मुरुगनंतम ने जिस तरह अपने जीवन में कई तरह के संघर्ष करते हुए समाज की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन आविष्कार किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए जो कम है। उनकी इसी मेहनत को देखकर बॉलीवुड में उनके जीवन के ऊपर पैडमैन नाम की एक फिल्म भी बनाई गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका अभिनेता अक्षय कुमार निभा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। तो टिल देन, बाय बाय।